ये जो लव जिहादी साले बहुत बड़े माधर चोद हैं, इनकी झांसाओं में ना पड़े। गुस्सा है ऑफ कोर्स, और हाँ और इस बात को लेके नाराज है कि मतलब ये सब मतलब हमारे देश में हो रहा है और अभी भी मतलब बहुत लोगों को देखना चाहिए और सबको देखना चाहिए। हिंदू लड़कियों को आप क्या संदेश देंगे? मुल्लों पे भरोसा मत करो। आज दुखदाई था देख करके, बहुत से दृश्य ऐसे थे जिन्हें देख करके अनकंफर्टेबल फील किया जा सकता है, और देखते वक्त एक गुस्सा एक उबार भी आ रहा था। भरोसा मत करो, ये साले हरामी पहले से ही है। हाँ, बस सीधा जहरीला बयान दे दे रहे हैं। जहरीला ही है तो जहरीला ही बयान देंगे क्या? इन सालों को फिल्म बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है, लेकिन इसके कई ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में हमें अपनी कोई राय बनाने के पहले उसके बारे में थोड़ा गहराई से जान लेना जरूरी है। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था, और बड़ा तरीके से कहा जा रहा है केरल में हिंदू लड़कियों के साथ जिस तरीके से वहाँ पे सारी चीज़ें हुई, इसको आप कैसे देखते हैं? मूवी में क्या बताया गया? मूवी के जो दिखाने का तरीका है जी, वो बड़ा ही दुखदाई था देख करके। बहुत से दृश्य ऐसे थे जिन्हें देख करके अनकंफर्टेबल फील किया जा सकता है जी, और देखते वक्त एक गुस्सा एक उबार भी आ रहा था जो शायद शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। दर्दनाक स्थिति थी जी हाँ, फिल्म बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। हाँ, एकदम कुछ लोग कह रहे हैं केवल प्रोपेगेंडा है मूवी में। नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं, ये एकदम सच है। ये केरल में हिंदू लड़कियों के साथ जो कुछ भी हुआ, कैसे देख रहे हैं आप उसे? वो है, सच है, और ये हो रहा है हर लव जिहाद का जो एंगल दिखाया, एकदम एकदम लव। हिंदू लड़कियों को क्या संदेश देंगे? बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अब संभल जाए, अब इस तरह की चीज़ों से दूर रह जाए। क्या कहेंगे मैम, मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी। क्या रिकमेंडेड, मोस्ट रिकमेंडेड। लड़कियों के बारे में जो कुछ दिखाया गया, जिस तरीके से जिहाद दिखाया गया है, सच है। यस, कुछ लोग कह रहे हैं ये तो बस प्रोपेगेंडा है। नहीं, बिल्कुल सच है, मोस्ट रिकमेंडेड। क्या देखने के बाद क्या फील हो रहा है आप अंदर? आप अंदर से आप गुस्सा है या फिर? गुस्सा है ऑफ कोर्स, और हाँ और इस बात को लेके नाराज है कि मतलब ये सब मतलब हमारे देश में हो रहा है और अभी भी मतलब बहुत लोगों को देखना चाहिए और सबको देखना चाहिए। हिंदू लड़कियों को आप क्या संदेश देंगे? मुल्लों पे भरोसा मत करो। आ जाइए, क्या कहना चाहेंगे? मूवी देख क्या रहा है द केरला स्टोरी? यही बोलना चाहते हैं कि अपने धर्म पे गर्व करो, उस पे भरोसा मत करो, ये साले हरामी पहले से ही है। हाँ, बस सीधा जहरीला बयान दे दे रहे हैं। जहरीला ही है तो जहरीला ही बयान देंगे। क्या लव जिहाद का एकदम विरोध करते हैं हम लोग? क्या आराम से, लव जिहाद का एकदम विरोध करते हैं हम लोग। जिहाद का विरोध करते हैं? जी, एकदम। लोगों का कहना है तो प्रोपेगेंडा, लव जिहाद है ये नहीं। प्रोपेगेंडा नहीं है, सही बात है, जो रियल दिखाया गया है, जो कुछ भी केरला में हुआ था। और सभी पेरेंट्स को बोलना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों का ध्यान दे, अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करे, संस्कार दे, अपने रिलीजन के बारे में बताए। हाँ, अपने भगवान अपने धर्म का गर्व करना सीखे, ये सबसे बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे देख के अंदर से? ये जो लव जिहादी साले बहुत बड़े माधर चोद हैं, इनकी झांसाओं में ना पड़े, हमारा यही कहना है। और बहन बेटियों को जितना ज्यादा हो सके ये मूवी उनको उतना ज्यादा देखना चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए। ये सब माधर चोद बैन करने की मांग उठाई जा रही है, केरला स्टोरी को बैन कर दिया जाए। क्यों बैन नहीं करना चाहिए, सभी हिंदुओं को देखना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए, खासकर हिंदू लड़कियों को जरूर देखना चाहिए। हिंदू लड़कियों को देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए जरूर, क्योंकि जो वामपंथी गैंग कह रहे हैं कि फिल्म को बैन करवाइए, इससे नफरत फैल रही है, क्या कहेंगे? पहले तो वो इस मूवी को देखे, और इसमें कोई कमियां हो तो इस पे बैन। आपने देखा, कैसा लगा? नहीं, ये मूवी बैन करने लायक नहीं है, ये तो एक रियल स्टोरी है जो कि क्या ये कड़वा सच है? कड़वा सच है, और ये मूवी हमारे हमारे इंडिया है। आप क्या कहें, किसके लिए? ये केरल के लिए धब्बा नहीं है, वहाँ के लिए जो ये उठा हुआ, ये जो ये आईएसआईएस का जो ये निकला हुआ है, उसके लिए ये विरोध करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लव जिहाद का कभी जिक्र किया करते थे? जी, उनका करना सही है। लव जिहाद यूपी में तो नहीं है, लव जिहाद जब से योगी है तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगह होगा। हाँ। जो जहाँ पर है वहाँ पर ये, वहाँ पर बल्कि ये जिस पर जी आप बता रहे थे कुछ स्लीपर सेल के बारे में, जी बताइए क्या कहेंगे? मूवी बहुत अच्छी है। हाँ। ये सबको देखना चाहिए, खासकर जो इसके खिलाफ है उसको जरूर देखना चाहिए, उन्हें ये बताने के लिए कि ये वास्तविकता है। जो मूवी जिस तरीके से हिंदू लड़कियों को पहले लव जिहाद में फंसाया जाता है, फिर उन्हें कन्वर्ट करके आतंकवादी संगठनों से जोड़ दिया जाता है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये बहुत गलत तरीका है जो इसमें दिखाया गया है, बहुत शेम है हम लोग के लिए, और इसको प्रिवेंट करने की कोशिश भी करनी चाहिए।
इसको प्रिवेंट करने की कोशिश। हाँ, आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। ये भाई लोग भी यहाँ देख के लौटे हैं। ये बताइए, हिंदू लड़कियों को जिस तरीके से लव जिहाद के एंगल में फंसा के उन्हें आतंकी बनाने की कोशिश की गई, जैसे मूवी में दिखाया गया, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए भाई, पिक्चर बढ़िया है, सबको देखना चाहिए। जो हिंदू लड़कियाँ हैं उनको भी देखना चाहिए। बस ये कहेंगे, आप कुछ कॉमेंट करेंगे? इंसान मानना चाहिए। ये खतरनाक बयान दे रहे हैं। आप कुछ चिल्ला रहे थे, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? भैया, हम यही कहना चाहेंगे कि जितनी हिंदू लड़की हो सके उतना आइए और देखिए। बहुत ज्यादा फीस नहीं है इसका, आइए देखिए और अपने मन को मतलब शांति करिए। ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी मूवी है, हर हिंदू लड़कियों को देखना चाहिए। जय श्री राम।